उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दिल दहला देने वाली दो बच्चों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बदायूं की घटना पर सपा घटिया राजनीति कर रही है, अगर सपा की सत्ता होती तो अपराधियों को संरक्षण होता। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो रही है। बदायूं कांड में भी अपराधी के साथ पूरी कठोरता बरती गई है। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है, लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता, और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। अगर मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो न छिड़े।